J'ai échoué. J'ai fait une justification volée. Pour avoir dit ce que j'ai volé. Et puis, justification, il y a une différence volée qui est valable. Après, j'ai échoué. Oui, mais, quand j'ai une justification volée, ça me fait toucher une église. Alors, ça, il y a une question qui peut vous exciter. Il y a une question qui peut vous exciter à ce passe. Et, वहां के सब लोग जब इरिगेशन के प्रोजेक्ट बनते हैं तब शिफ्ट करते हैं दूसरी जगह पर तो वहां आबादी कम होती है मुझे याद है कि इंग्लैंड में लेक डिस्ट्रिक्ट नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है वहां लेक के आसपास इस तरह से टाउनशिप अच्छी तरह से बनाएगी उसी लाइन पर यहां काम करने की बात थी महाराष्ट्र सरकार ने फिल स्टेशन पॉलिसी नाम से पॉलिसी तय की और इस पॉलिसी के मुताबिक दो प्रस्ताव वहां आए थे एक शायद आपको मालूम होगा अंबे वैली जो सहारा ग्रुप ने की है वो हुआ है इसके बाद ये दूसरा प्रपोजल ये दूसरा प्रपोजल फिल स्टेशन पॉलिसी के मुताबिक था हिल स्टेशन पॉलिसी में इस तरह से कोई हिल स्टेशन की टाउन शिफ्ट करने की जिम्मेदारी लेता है तो उनको वहाँ जो जमीन रही है क्योंकि वो पानी है सब जगह से इरीगेशन प्रोजेक्ट है वहाँ जो जमीन रही है वो जमीन देने का अधिकार राज्य सरकार को है और वो जमीन उस अधिकार के पॉलिसी के माध्यम से उनको दी ये जमीन में 80% जमीन पानी में है समझो 300 एकड़ या कुछ आई नॉट बी एबल टू टेल एग्जैक्टली फिगर बट इसमें 80% पानी में है सबमर्ज है यानी वहाँ कोई पानी है बाकी कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ करते नहीं इसलिए ये पॉलिसी के मुताबिक किया है इसमें कोई जोर नहीं इसमें यह भी साफ बात है कि सदानंद सुले और सुप्रिया सुले उनके पहले कंपनी में शेयर थे मगर जब 2005 या 6 साल मुझे पक्का या नहीं देखना पड़ेगा कि इसमें कॉन्ट्रावर्सी हो गई तब उन्होंने अपने शेयर बेच दिए इससे वो विड्रॉ हो गए तीसरी बात यह है कि तीसरी कंप्लेंट एक है कि इस प्रोजेक्ट को हमने मदद की ये बात पक्की है कि महाराष्ट्र में हिल स्टेशन पॉलिसी सरकार ने तय करने के बाद कोई नया अच्छा प्रोजेक्ट आता है वो भी मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में है तो होम डिस्ट्रिक्ट में प्रपोजल कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो उसकी कोई समस्या हो इस बारे में वहाँ के मुख्यमंत्री से उन्होंने वो हिल स्टेशन में मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग को मैं भी था इसमें कोई जोर राय नहीं है ये चीफ मिनिस्टर का अधिकार था अनफॉर्चुनेटली नो मोर चीफ मिनिस्टर का अधिकार था चीफ मिनिस्टर ने यह तय किया कि मैं खुद प्रोजेक्ट विजिट करूंगा देखूंगा और वहां जो कोई समस्या है इस पर सुनवाई करूंगा तो उन्होंने मेरे डिस्ट्रिक्ट में चीफ मिनिस्टर आए थे मेरे डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट था इसलिए मैं वहां जरूर था और वहां सीएम साहब ने अपने ऑफिसरों के साथ बातचीत की इसमें कोई गलत बात नहीं है इससे ज्यादा बोलना ठीक नहीं है क्योंकि ये मामला कोर्ट में है आज सब जूडिस है समझिए इस मैटर पर इससे ज्यादा बोलना ठीक नहीं है मगर इस देश में एक अच्छा हिल स्टेशन बनाने की कोशिश एक अच्छा हिल स्टेशन बनाने की कोशिश वालचंद ग्रुप के जो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के प्रमुख है मिस्टर अजीत गुलाबचंद महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल फील्ड में वालचंद ग्रुप के पायनियर काम है ऐसे एक अच्छे ग्रुप ने काम हाथ में लिया वहां जाकर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना अच्छा काम हो रहा है वहां कोई गलत काम हो नहीं रहा मगर कोर्ट का मामला रहने के बाद इसे ज्यादा बोलना ठीक नहीं है ये बात सब लोगों के सामने साफ होगी आज कम से कम कई हजार लोग हर दिन वहां जाते हैं देखते हैं प्रोजेक्ट को वहां रहते हैं अरुण छोरी जैसे आपके रावण की पत्रकार वो भी वहां रहते हैं ऐसे कई लोग हैं कि जो वहां रहते हैं वहां एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहां अच्छे हॉस्पिटल की सुविधा है
और एक नई आदर्श स्थिति वहाँ बन रही है। सर जिस तरह का आरोप लगाए हो वाईके सिंह ने, आपको लगता है सही है? सर नहीं, ठीक है।